Hey guys, welcome back to my channel Beauty Salt. आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पार्टी मेकअप कैसे करें। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारा मेकअप करना बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनका आज मैं मेकअप करने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फेस वॉश करना है अच्छे से, जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं वो आपको करना है। उसके बाद आपको टोनर लगाना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है। ये स्टेप ये कर चुके थे हम पहले ही, ठीक है। उसके बाद में मैंने सिरम अप्लाई किया। आप कोई भी फेस वॉश कीजिए, उसके बाद में तीन चीज़ों को फॉलो कीजिए, CTM प्रोसेस, क्लिनजिंग, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र। ये करने के बाद में आपको सिरम अप्लाई करना है, ठीक है। डे टाइम में आप बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाएं, ठीक है। उसके बाद में मैंने अच्छे से सिरम इनके फेस पे लगा दिया है। इनका स्किन भी ड्राई स्किन है तो मैं गुड वाइब्स का फेस सिरम ऑयल यूज़ कर रही हूँ, रोज हिप सिरम। इसका जो टेक्सचर है ऑयल टाइप का रहता है, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी भी स्किन टाइप ड्राई ही है तो मेरे लिए बेस्ट है। और फिर मैं तो अब हम यूज़ कर रहे हैं स्विस ब्यूटी का ये प्राइमर। ये प्राइमर इतना ज़्यादा अच्छा है, इसमें ना छोटे छोटे शिमर पार्टिकल्स भी है जो आपके फेस पे ग्लो देते हैं। थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा हाइड हो जाता है बट इसमें जो ग्लो आता है आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। जब से ये लॉन्च हुआ है, जब से मैं यही वाला प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, अफोर्डेबल भी है, 300-350 या उससे कम का आई थिंक है ये, मुझे इसका प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं है। अमेजोन से मैंने इसे परचेस किया था और आप खुद ही देख सकते हो उसको लगाने के बाद ना आपके फेस पे एकदम से ग्लो आने लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। फिर जो भी प्रोडक्ट आप लगाते हो मेकअप करने के लिए, वो प्रोडक्ट्स को आप ना अच्छे से एब्जॉर्ब होने दे, मतलब आपको थोड़ा सा 5-6 सेकेंड का उसमें आपको गैप देना है, उसे अच्छे से एब्जॉर्ब होने दे। उसके बाद भी बाद ही कोई भी फिर उसके बाद में मैं ये स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसमें छोटे छोटे शिमर पार्टिकल है जो आपके फेस पे ग्लो देते हैं और इसे इसलिए लगाया जाता है कि आपके फेस पर ग्लो आए। या तो आप फाउंडेशन से पहले या फाउंडेशन के बाद या साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे पहले यूज़ करती हूँ। जो मैं स्पंज यूज़ कर रही हूँ, इसमें आपको क्या करना है, कोई भी ब्लेंडिंग करने से पहले स्पंज को थोड़ा सा गीला करना है, उसका पूरा पानी निकालना है एंड देन उसके बाद में इसे आपको आपके फेस पर कोई भी प्रोडक्ट को ब्लेंड करना है इससे। या आप एक चीज और, फिर हमने यूज़ किया है कंसीलर। कंसीलर हम इसलिए यूज़ करते हैं, डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए हम कंसीलर का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि इन्हें डार्क सर्कल्स तो थे ही, जहाँ भी आपके डार्क स्पॉट्स हो लाइक लिप्स के पास, नोज के पास या आईज के नीचे, तो आप इसे अप्लाई करिए और अच्छे से ब्लेंड कीजिए एंड देन फिर फाउंडेशन लगाइए, ठीक है। तो आपके जो डार्क एरियाज है वो बिल्कुल लाइट हो जाता है और वो कवर कर लेता है। फिर उसके बाद में आपको ये फाउंडेशन यूज़ करना है। मैं शुगर का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। फाउंडेशन को आपको नेक पर और सारे फेस पे लगाना है और मेक श्योर, ध्यान रखिए कि आप स्पंज से ही उसे ब्लेंडिंग करें या ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली स्पंज से ही उसे ब्लेंड करती हूँ, वो ज़्यादा अच्छी सी फिनिशिंग आती है इसमें। फिर आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लैक्मे का रोज़ पाउडर यूज़ किया है। ये मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी है इसलिए आपको फास्ट लग रहा है, ठीक है। तो आपको फटाफट, तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाती। फिर आप ये भी कर सकते हो, एक टिप है कि आप जब भी आप शादी में कहीं जा रहे हो तो आप ना थोड़ा सा रोज़ पाउडर आप अपने टिश्यू पेपर में या कहीं पर भी आप उस पर रख सकते हो, देन बाद में उसे अच्छे से एक टचअप दे सकते हो उससे। तो अब मैं यहाँ पे ना आई शेडो लगा रही हूँ। तो उच्च से आई शेडो नहीं आता, वो बहुत ईजी तरीका मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आपका जो भी है मेकअप रिवॉल्यूशन की आई शेडो पैलेट है, जिसमें आपको क्या करना है, बहुत जो लाइट शेड है मतलब जो भी आपने ड्रेस पहना उसे अच्छे से पहले लगा लेना है, ठीक है। ब्रश की मदद से अच्छे से आपको ब्लेंड करना है उसे। मैंने लाइट पिंक कलर का ड्रेस पहना है तो इन्होंने तो फिर उसे ही पिक किया है मैंने, लाइट पिंक शेड। और उसके बाद में मैंने स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। बिल्कुल जिसे कुछ भी नहीं आता, आई मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता, वो भी इजिली इस मेकअप को कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ईजिएस्ट तरीका बताया है। उसके बाद में ये बिल्कुल इसमें ना शिमर रहते हैं, तो लिक्विड आई शेडो आपके जो आईज का जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये भी मैंने अमेजोन से ही परचेस की थी, यूनिकॉर्न जो आई शेडो पैलेट है ये वाली। उसके बाद में मैंने ना शिमर शेड पिक किया, उसी कलर का शिमर शेड पिक किया, उसको उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो कुछ इस तरीके का इसमें ना लुक आ रहा था। ऐसा लगता है बहुत हेवी मेकअप किया अपने आईज का और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की होती है उसमें। फिर हमने जो भी आपके शिमर पार्टिकल्स जो भी आप करते हो आईज मेकअप, तो शिमर पार्टिकल आपके फेस पे गिर जाते हैं, उसे अच्छे से साफ कर लीजिए एंड देन हल्का सा जो डार्क पिंक कलर था वो मैंने आई कॉर्नर्स पे थोड़ा सा लगा दिया है उसे, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने इसे रोज़ पाउडर की मदद से थोड़ा सा और अच्छे से ब्लेंड कर दिया, क्योंकि जो शिमर पार्टिकल्स थे उसे साफ कर दिया मैंने।
ब्रश की मदद से। फिर मस्कारा लगाने से पहले आप अपनी ना आई कर्ल कर ले आई कलर से, तो आपकी जो आई लैशेज है वो बहुत ज़्यादा कर्ल हो जाती है और फिर आप मस्कारा लगाते हो तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। फिर मैंने ना उसके बाद में इन्हें टिंट लगाया, कौन सा था, अर्थ रिदम का, अर्थ रिदम का ये टिंट है जो मैंने अप्लाई, आई थिंक मैंने इसका रिव्यू भी डाला है मेरे चैनल पर, और फिर मैंने इन्हें अप्लाई कर दिया एंड देन उसे ब्लेंड कर दिया। टिंट बहुत ज़्यादा अच्छा टिंट है ये, तो इन्हें जल्दी भी थी जाने की तो मैंने फटाफट इनका मेकअप किया और थोड़ा वीडियो को फास्ट भी कर दिए वैसे। और फिर उसके बाद में ना ये टिंट लगाने के बाद में मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था पार्टी के हिसाब से, तो फिर है ना मैंने जो ब्लश था वो वाला ब्लश लगा दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर से ड्राई ब्लश। फिर आपको लिप लाइन बना लेनी है, उसके बाद में कोई भी लिपस्टिक जो आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा लीजिए। मैंने जब आप दूसरों को लगाते हो ना तो आप ब्रश का यूज़ कर सकते हो, अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ अपने लिए, तो लेकिन मैं इनका कर रही थी तो मैंने ब्रश यूज़ किया। और माई ग्लैम की मैंने जो थोड़ा सा दो शेड्स है मेरे पास पर्पल के, एक डार्क है और उससे थोड़ा सा कम वाला है, तो मैंने वो वाला यूज़ किया, हल्का सा लाइट है लेकिन ये भी डार्क ही है वैसे, तो मैंने ये वाला यूज़ किया। फिर ब्रश से बहुत ज़्यादा अच्छे से लग जाता है, तो बस मैं वही लगा रही हूँ उसमें। आप जब भी मेकअप करो ना तो थोड़ा सा पहले आप है ना कहीं जाना हो आपको, तो उससे पहले लिप स्क्रब कर सकते हैं कॉफ़ी शुगर मिला के, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाते हैं आपके लिप्स, और उसके बाद में फिर आप लिपस्टिक अप्लाई कीजिए तो बहुत अच्छा लगता है वो। अगर लिपस्टिक इधर उधर लग जाए तो आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो राइट साइड, और उसके बाद में ईयरबड की मदद से उसको मतलब थोड़ा सा लाइट कर सकते हो, मिटा सकते हो। फिर उसके बाद में मैंने ना आईलाइनर यूज़ किया है जो कि फेसेस कैनेडा का है, मैंने अभी रिसेंटली ही मंगाया था, तो बहुत अच्छा आईलाइनर है ये, तो आईलाइनर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से आईलाइनर लग गया था। फिर आपको आईब्रो सेट कर लेनी है, आईब्रो बहुत ज़्यादा लुक को इन्हांस करने के लिए काम आता है, तो अच्छे से आईब्रो सेट करिए और जो भी पेंसिल या पैलेट यूज़ करते हैं वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मुझे बनानी थी हेयर स्टाइल, तो जो अभी चल रहा है ना पीछे आप पोनीटेल बना लीजिए, और जो भी आपको पिनअप करना है उससे पोनीटेल बनाने के बना लेते हैं ना तो उसके नीचे आप पिनअप कर लीजिए, तो मैं आपको बताती हूँ ऐसी पोनीटेल बना लेनी है आपको। फिर उसके बाद में मैंने उनका जो हेयर स्टाइल था कुछ इस तरीके से बनाया पीछे पिनअप करके, जैसी भी हेयर स्टाइल आपको बनानी है आप बना सकते हैं। मैंने टेम्प्रेरी फटाफट ये वाली बना दी, ठीक है, जो भी आप बनाना चाहते हैं ड्रेस के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। पीछे इस तरीके से पिनअप करने के बाद में इस जो हेयर बैंड है उसे खोल देंगे तो वो दिखेगा ही नहीं पीछे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद भी इन्हें स्ट्रेट करने थे हेयर्स, तो थोड़ा अच्छे से लुक आता क्योंकि अभी बाकी था थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग उनका। मैं आपको फाइनल लुक भी आगे बता दूंगी कि कैसा है। तो इस तरीके से आप अपने फेस का मेकअप कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपको स्प्रे करना है, जो मेकअप फिक्सर आता है वो आपको लगाना है, ठीक है, एंड लास्ट। तो इस तरीके से आपका जो पूरा मेकअप है वो लगेगा। फिर ये इनका था फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। बाय।